जेनिफर, आज हम बात करेंगे मानव पाचन तंत्र पर यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पर। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंटेन्स एलिमेंट्री कैनाल, इट इज अबाउट 9 meters एंड एलिमेंट्री कैनाल आल्सो नोन एज गट, यानी कि पाचन तंत्र जो होता है वो आहार नाल से मिलकर बनता है। आहार नाल की टोटली जो लंबाई होती है वो होती है 9 meters और आहार नाल को हम गट के नाम से भी जानते हैं। ये इसकी बात हो गई। अब हम बात करेंगे मुख की। The human beings have a special organ for ingestion of the food. It is called mouth. यानी कि मनुष्य जो होते हैं उन्हें भोजन के पाचन के लिए एक प्रमुख अंग की आवश्यकता होती है। वो प्रमुख अंग होता है मुख। The food is digested through the mouth. यानी कि जो भोजन है वो मुख के द्वारा इजेस्टेड होता है। The mouth contains teeth, tongue and salivary gland. मुख के तीन भाग होते हैं, दांत, जीवा और लार ग्रंथि। The teeth help in physical digestion of the food because the teeth cut the food into the small pieces and chew it. यानी जो दांत होते हैं वो भोजन के physical digestion में help करते हैं, क्योंकि दांत जो है वो भोजन को छोटे छोटे भागों में तोड़ते हैं और चबाने का काम करते हैं। The salivary gland secrete the saliva and our tongue help in mixing the saliva in our food. यानी कि जो salivary gland जो लार ग्रंथि होती है वो सलाइवा का सिक्रेशन करती है, यानी जो लार होती है उसको स्रावित करती है, और जो हमारी जीवा होती है वो उस लार को हमारे भोजन में मिलाने का कार्य करती है। एंड द सलाइवरी ग्लैंड हेल्प इन केमिकल डाइजेशन ऑफ द फूड बाय सिक्रीटिंग इट्स एंजाइम। यानी कि जो लार ग्रंथि होती है वो केमिकल डाइजेशन में हेल्प करती है, क्योंकि ये जो सिक्रेशन करती है, जो स्रावण करती है, ये एंजाइम्स का भी स्रावण करती है और ये लार का भी स्रावण करती है। और जो एंजाइम है वो होता है लार एमाइलेस, यानी कि सलाइवरी एमाइलेस, ये इसका एंजाइम है लार ग्रंथि से स्रावित होने वाला, यानी सलाइवरी ग्लैंड से स्रावित होने वाला। ये तो हमारी मुख की बात हो गई। अब हम चलते हैं ईसोफेगस पे, यानी कि द स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड गोज इनटू द ईसोफेगस। द लेंथ ऑफ ईसोफेगस इज अबाउट 25 centimeters। यानी कि जो स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड है वो हमारे ईसोफेगस यानी ग्रास नली में जाता है। ग्रास नली की लंबाई होती है 25 centimeters। व्हेन द स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड एंटर द ईसोफेगस, द वॉल ऑफ ईसोफेगस स्टार्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट। दिस कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट कॉल्ड पैरासाइटिक मूवमेंट। यानी कि जब स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड जो है वो हमारी ईसोफेगस में चला जाता है, उसमें प्रवेश करता है, तो ईसोफेगस की जो वॉल होती है यानी ग्रास नली की जो वॉल होती है जो वो कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन शुरू करती है, यानी कि फैलने व सिकुड़ने की क्रिया शुरू करती है। और इसी क्रिया को हम पैरासाइटिक मूवमेंट कहते हैं, यानी कि क्रमानुकुंचन गति कहते हैं। यही इसका वर्क होता है, पैरासाइटिक मूवमेंट शो करना। एंड हम स्टमक की बात करें तो द स्टमक इज द जे शेप्ड ऑर्गन, इट प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन। यानी कि आमाशय जो होता है वो जे आकार का एक अंग होता है, यह एब्डोमेन के बाईं तरफ होता है। अब हम इसके सिक्रेशन की बात करते हैं, और हमें ये तो पता ही है कि जो स्टोमक होता है उसके अंदर फूड कम से कम 3 घंटे यानी 3 hours तक वो रहता है। अब हम इसके सिक्रेशन की बात करते हैं तो गैस्ट्रिक जूस का ये सिक्रेशन करता है, यानी द वॉल ऑफ स्टोमक सिक्रेट अ गैस्ट्रिक जूस, यानी कि जठर रस का स्रावण करती हैं। जठर ग्रंथियाँ होती हैं आमाशय की दीवारों पर जो कि जठर रस का स्रावण करती है। द गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स 3 substances, एसिटिल एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस। यानी कि आमाशय का जो गैस्ट्रिक जूस होता है यानी जो जठर रस होता है वो 3 substances को अपने साथ रखता है। वो होता है एसिटिल एसिड यानी कि एसिटिल अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन एंजाइम और म्यूकस। अब ये म्यूकस क्या होता है, तो ये म्यूकस जो है उसको हम हिंदी में श्लेष्मा बोलते हैं, और ये जो है इसका वर्क होता है प्रोटेक्ट करना। द म्यूकस हेल्प टू प्रोटेक्ट द स्टोमक फ्रॉम इट्स ओन सिक्रेशन ऑफ एसिटिल एसिड। यानी कि जो श्लेष्मा होती है उसका काम होता है आमाशय की दीवारों को प्रोटेक्ट करना, और वो किस चीज से, आमाशय खुद ही जो स्रावण करता है एसिटिल एसिड का उससे। बट कभी कभार हमारी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जो म्यूकस है वो डैमेज हो जाती है। अब वो डैमेज हो जाती है तो हमारे जो स्टोमक है उसमें अल्सर होने लगते हैं। अल्सर क्यों होते हैं, तो वो तभी होते हैं जब म्यूकस लेयर डैमेज हो जाती है, जो एसिटिल एसिड होता है
वो हमारे स्टमक को नुकसान पहुंचाता है, इस कारण हमारे अल्सर होते हैं। और जो लेंथ होती है, द स्टमक्स लेंथ इज अबाउट 30 सेंटीमीटर, यानी कि 30 सेंटीमीटर के लगभग उसकी लेंथ होती है। अब जो फूड है वो एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करने से पहले हम स्फिंक्टर की बात कर लेते हैं। स्फिंक्टर जो होते हैं उनको हम हिंदी में अवरोधिनी कहते हैं। इसका काम होता है ये जो है फूड को रोक के रखता है, यानी कि जब हम खाना निगलते हैं हमारी ईसोफेगस पैरासाइटिक मूवमेंट शो करती है, जो खाना है वो स्टोमक में चला जाता है। तो जब स्टोमक जो है वो अपना मतलब काम शुरू करता है, डाइजेशन का वर्क जो है वो शुरू करता है, तो स्फिंक्टर जो होते हैं ना वो उसके ऊपर भी लगे होते हैं, उसके नीचे भी लगे होते हैं, दो जगह पे स्फिंक्टर जो हैं वो रहते हैं और भी जगहों पे स्फिंक्टर रहते हैं। तो ये स्फिंक्टर वर्क करते हैं फूड को उसके अंदर रोक के रखने का, क्योंकि जब डाइजेशन शुरू हो जाता है तो ताकि जब डाइजेशन शुरू हो रहा है तो फूड जो है वो ईसोफेगस में ना चला जाए और ना ही वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाए, वो स्टोमक में ही रहना चाहिए। ये काम स्फिंक्टर मसल्स करती हैं, यानी कि अवरोधनी पेशियाँ करती हैं। बट कभी कभार हमारे साथ ऐसी सिचुएशन आती है कि हमारा जो फूड है वो कभी कभार स्फिंक्टर में कभी कोई डैमेज हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो फूड जो है वो वापस हमें ईसोफेगस में चला जाता है। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हमारे चेस्ट जो है उसमें जलन होने लगती है, यानी कि उसमें जो है जलन होने लगती है, इसको हम बोलते हैं हार्ट बर्निंग। वो इसी वजह से होती है जब फूड जो है वो हमारी ईसोफेगस में दोबारा चला जाता है। अब जब फूड जो है वो 3 आवर्स तक हमारे स्टोमक में रह लेता है, उसके बाद वो फूड जो है आप पहले स्फिंक्टर खुलेंगे और वो जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एब्डोमेन एलिमेंट्री कैनाल। सॉरी, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा भाग होती है, यानी आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होती है। इट्स लेंथ इज अबाउट 6 मीटर, ये 6 मीटर के करीब लंबी होती है। बट ये सोचने की बात है, हम स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं, यानी कि जो शुद्रांत होती है वो छोटी तो होती नहीं है, 6 मीटर छोटा तो होता नहीं है, बट हम उसको शुद्रांत क्यों बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी नैरो, ये जो है बहुत ही सिकड़ी भी होती है, इस वजह से हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। हम इसकी लेंथ नहीं देखते, हम देखते हैं कि कितनी नैरो है, तो ये बहुत ही नैरो होती है, तो इस वजह से इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है उसका काम थोड़ा एब्जॉर्प्शन होता है, यानी अवशोषण का काम होता है थोड़ा बहुत, और बाकी ये फूड का एंड डाइजेशन करता है। और इसको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है 2 ग्लैंड्स की, यानी 2 ग्लैंड्स होती हैं जिनकी ये हेल्प लेता है, एक होती है लीवर और एक होती है पैंक्रियास, और एक गॉल ब्लैडर भी होती है, इसका ज़्यादा कहीं काम नहीं होता। तो इन ग्लैंड्स की हेल्प से ही स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसमें पूरा डाइजेशन हो पाता है। एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो इंटेस्टाइनल जूस जो है उसका सिक्रेशन भी करती है। इनके जो मैकेनिज्म है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, तो अभी हम इसके स्ट्रक्चर पर ही बात कर रहे थे, तो हम अब लीवर की बात करते हैं जिसकी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो हेल्प लेता है। तो हम लीवर की बात करें तो लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ एक्सोक्राइन सिस्टम, यानी कि एक्सोक्राइन सिस्टम जो होता है उसके अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है। एंड लीवर सिक्रेशन करती है बाइल का, और बाइल का पीएच लगभग 8 होता है, 8.20 ऐसा ही पीएच होता है उसका, यानी एल्कलाइन होता है ये, बाइल एल्कलाइन होता है और ये येलो कलर का होता है। अब बाइल जूस जो है वो सिक्रीट करता है लीवर, बट बाइल जूस स्टोर्ड करता है गॉल ब्लेडर, यानी द बाइल इज स्टोर्ड बाय गॉल ब्लेडर, गॉल ब्लेडर जो है वो उसको स्टोर करके रखता है गॉल ब्लेडर बाइल को। अब पैनक्रिया, तो पैनक्रियाज जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम और एक्सोक्राइन सिस्टम दोनों में आता है, क्योंकि पैनक्रियाज जो है वो इंसुलिन हार्मोन जो है वो भी सिक्रीज करता है और ये पैनक्रियाटिक जूस भी सिक्रीज करता है, तो इस वजह से ये दोनों सिस्टम में आता है। ये डाइजेशन में भी हमारी हेल्प करता है और ये हमारी शुगर मेंटेन में इसका जो हार्मोन होता है इंसुलिन हार्मोन वो वर्क करता है। तो ये दो ग्लैंड्स इसमें करती है। तो अब हम इनके सिक्रीशन की बात करते हैं, तो पैनक्रियाज का सिक्रीशन, पैनक्रियाज में जो सिक्रेशन होता है वो होता है पैनक्रियाटिक अमाइलेस, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज, ये 3 एंजाइम्स जो होते हैं उनका इसमें सिक्रेशन होता है, और ये तीनों ही एंजाइम्स स्मॉल इंटेस्टाइन के इंटेस्टाइनल जूस से मिलकर और फिर बाद में ये उसका वर्क करते हैं।
अब ये फूड जो है उसका एब्जॉर्प्शन थोड़ा बहुत हो जाता है, यानी जो मिनरल्स होते हैं उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, और वो वर्क करती है विली। विली मतलब यानी कि विली जो होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उसके चारों तरफ छोटे छोटे विलीज लगी होती हैं जो कि काम करती है एब्जॉर्प्शन का। अब फूड जो भी वेस्ट मटीरियल हमारा डाइजेशन के बाद जो भी वेस्ट मटीरियल बनता है वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, यानी कि वृद्रांत्र में, बड़ी आंत में। एंड द लार्ज इंटेस्टाइन लेंथ इज अबाउट 1.5 मीटर, इसकी ये लेंथ होती है। अब इसमें होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन, और ये जो है वेस्ट मटीरियल को, लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो वेस्ट मटीरियल को रेक्टम तक पहुंचाती है। रेक्टम वर्क करता है उस वेस्ट मटीरियल को स्टोर करने का, यानी द वेस्ट मटीरियल स्टोर्ड बाय रेक्टम। फिर बाद में हम एनस से रेक्टम में जो भी स्टोर वेस्ट मटीरियल है उसको हम एनस से बाहर निकाल देते हैं, और एनस की एंडिंग जो होती है उसमें भी एक स्पिंस्टर होता है। अब एक ऑर्गन आता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई भी वर्क नहीं करता, ये बस हमें पेन करता है। जब कभी कभार आपने सुना भी होगा अपेंडिक्स का पेन होता है, तो ये कुछ ही नहीं करता, कभी कभार बस ये पेन करता है, और इसको हमारी बॉडी से हम निकाल भी देते हैं क्योंकि इसका कोई ज़्यादा वर्क नहीं होता। इसका वर्क ही नहीं होता, ज़्यादा भी क्या कहे, इसका कोई वर्क नहीं होता। और गॉल ब्लैडर जो है वो थोड़ा बहुत वर्क करता है, वो वर्क करता है बाइल के स्टोन का, तो यानी कि कभी गॉल ब्लैडर में जब स्टोन हो जाता है, यानी जो पथरी हो जाती है, तो हम गॉल ब्लैडर को निकाल भी लेते हैं, यानी डॉक्टर्स जो हैं वो गॉल ब्लैडर को ह्यूमन बींग्स के शरीर में से निकाल भी देते हैं क्योंकि इसका ज़्यादा कोई वर्क नहीं होता। तो ये हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर पर बात करी थी। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसके मैकेनिज्म पर बात करेंगे।